हेलो फ्रेंड्स, GST R3B कैसे फाइल करना है और उसमें जो टैक्स लाइबिलिटी है या इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कैसे पॉपुलेट होगा, इसके लिए GST नेटवर्क के द्वारा नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, GST पोर्टल पर GST R3B में GST R1 से टैक्स लाइबिलिटी कैसे आएगी और GST R2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट किस प्रकार आएगा, इसके लिए GST नेटवर्क के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैसिलिटी अवेलेबल की गई है सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए की गई है जो कि मंथली फाइलर हैं। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टली फाइल करते हैं उनके लिए भी ये ड्यू कोर्स में फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति मंथली GST1 फाइल करते हैं उनके लिए फैसिलिटी अभी उपलब्ध कराई गई है। फ्रेंड, जब आप अपने GST R3B देखते हैं तो वहाँ पे टेबल 3.1 दिया गया है जो कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज के बारे में बताता है। आपको ये एंट्री यहाँ पे फीड करनी होती थी और टेबल 3.2 में जो 3.1A के अंतर्गत आपने डिटेल दी है उसमें से कितनी इंटरेस्ट ए सप्लाई है जो कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को या UIN होल्डर को, उसकी डिटेल फ्रेंड्स आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी होती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टेबल 3.1D को छोड़ के, यानी कि इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज को छोड़कर, जो मंथली GST1 फाइल करते हैं उनकी डिटेल GST1 से ऑटोमेटिकली GST3B के इन टेबल्स में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा GST3B में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल फीड करते थे यहाँ पे टेबल 4 के अंतर्गत एलिजिबल ITC में। फ्रेंड्स, ये डिटेल भी आपकी GST2B से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 और 2 अबव, ये डिटेल आप फीड करते थे, अब ये डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी। जो डिटेल आप यहाँ पे टेबल 3.1D में भरेंगे यहाँ से डिटेल नीचे चली जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, GST पोर्टल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो लाइबिलिटी टेबल है 3.1 एंड 3.2 GST R3B का, एक्सेप्ट इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आएगा आपका जैसे ही GST1 टैक्स पेयर के द्वारा फाइल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल एंड इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज टेबल 4 एंड 3.1D से ऑटोमेटिकली आ जाएगी फ्रेंड्स, जैसे ही GST R2B उस पीरियड के लिए जनरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो डिटेल हैं वो GST R3B में आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाएंगी। आप इसके लिए सिस्टम जनरेटेड GST R3B टाइप को क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो सिस्टम जनरेटेड GST R3B में वैल्यूज़ आएंगी वो ऑटो पॉपुलेट होंगी, लेकिन दो डिफरेंट सोर्सेज से ये वैल्यू आएंगी, एक तो GST R1 के डेटा से, दूसरा GST R2B के डेटा से। फ्रेंड्स, GST R2B जनरेट किया जाएगा एक स्पेसिफिक डेट को, यानी कि जैसे ही सप्लायर GST R1, GST R5 और GST R6 फाइल कर देगा उसके बाद इसे जनरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, जो सिस्टम के द्वारा वैल्यू जनरेट की जाएंगी उसमें IC गेट से जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से डेटा मिला है वो वैल्यू भी इंक्लूड की जाएंगी, और ये PDF पार्शली जनरेट किया जाएगा और वैल्यू GST R3B में पार्शली आएंगी जैसे GST R1 को फाइल कर दिया जाएगा, या फिर फ्रेंड्स GST R2B की जो डेट है जनरेट करने की वो ओवर हो जाएगी उसके बाद ये आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा। उसके बाद PDF फॉर्मेट को दोबारा से रीजनरेट किया जाएगा और जो बाकी के टेबल हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे GST R3B में जैसे ही व्यक्ति जो दूसरे फॉर्म में फाइल कर देगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार यदि GST R1 अभी तक फाइल नहीं किया गया है तो जो सिस्टम जनरेटेड समरी होगी उसमें डिस्प्ले होगा वैल्यूज़ नॉट फाइल्ड। इसी प्रकार यदि GST R2 भी अभी तक जनरेट नहीं किया गया है उस पीरियड के लिए तो सिस्टम जनरेटेड समरी डिस्प्ले हो जाएगी जिसमें के रिस्पेक्टिव वैल्यू नॉट जनरेटेड आएंगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो GST R3B में ऑटो पॉपुलेट होकर वैल्यू आएंगी वो सिर्फ आपकी असिस्टेंस के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट है। यदि आपको लगता है कि वैल्यू करेक्ट नहीं है तो आप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। यदि आप वैल्यू को एडिट करेंगे तो उसमें GST पोर्टल के द्वारा अलर्ट दिखाई देगा कि जो ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यू है वो हायर है जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से, लेकिन इस केस में भी टैक्स पेयर कंटिन्यू कर सकता है अपनी GST R3B को फाइल करना एडिटेड वैल्यू के साथ। GST पोर्टल इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, यानी कि आप फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि टैक्स पेयर ने GST R3B में ऑलरेडी कोई वैल्यू एंटर करके उसे सेव कर दिया है
और उसके बाद कोई वैल्यू ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी जीएसटी आर 3B में, ना ही उसे चेंज किया जाएगा जो आपने वैल्यू ऑलरेडी एंटर कर दी है, ना ही उसे ओवरराइट किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की डेट में फैसिलिटी मंथली फाइलर के लिए उपलब्ध कराई गई है और क्वार्टरली फाइलर के लिए भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। फ्रेंड्स, ये टेबल जीएसटी आर 3B में कहाँ से पॉपुलेट होंगे, यानी कि टेबल 3.1A आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, ये जीएसटी आर 1 से वैल्यू आएगी, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11 से। इसी प्रकार टेबल 3.1B आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई आएगी फॉर्म जीएसटी आर 1 के टेबल 6A, 6B एंड 9 से, और टेबल 3.1C में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड ये वैल्यू आएगी फॉर्म जीएसटी आर 1 टेबल 8 से। इसके अलावा टेबल 3.1E यानी कि नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई फॉर्म जीएसटी आर 1 के टेबल 8 से आएगी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीएसटी आर 1 में जो वैल्यू फीड की गई हैं उनका टोटल सभी वैल्यूज़ का यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, नेट पॉजिटिव वैल्यू, यदि नेट नेगेटिव वैल्यू है वो कंसीडर नहीं की जाएंगी टेबल में, और यहाँ वैल्यू जीरो प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की है वो जीएसटी 1 से टेबल 3.1A में आएगी। फ्रेंड्स, इसका आपको आगे ब्रेकअप देना है टेबल 3.2 में, यानी कि इसमें से कितनी ऐसी सप्लाई है जो कि आपने इंटरस्टेट की है अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूएन होल्डर को। फ्रेंड्स, इसकी डिटेल जीएसटी 1 से आएगी, जो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज डिटेल डिक्लेयर की है कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में जीएसटी 1 के। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टेबल 3.1D दिया गया है इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यह डिटेल तो जीएसटी 2B से आ जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यदि नेगेटिव वैल्यू है तो फ्रेंड्स उस केस में वैल्यू जीरो प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन यहाँ पे यदि आपकी एक्चुअल लाइबिलिटी ज़्यादा है, जो ऑटो पॉपुलेट डिटेल आ रही है, तो आपको इससे एडिट करना है, जो करेक्ट वैल्यू है वो यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर आएंगी उसमें वो वैल्यू तो नहीं होंगी जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है सप्लाईज, और उस पर आपको ही जीएसटी आरसीएम बेसिस पे करना है, या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस जिस पे कि आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना है। इसलिए आपको इन वैल्यू को भी इंक्लूड करके यहाँ पे इन वैल्यू को एडिट करना है जो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है, और करेक्ट वैल्यूज़ को रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, जीएसटी 3B में टेबल 4A है ITC अवेलेबल से रिलेटेड, यह डिटेल जीएसटी 2B से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। यदि पॉजिटिव इनपुट टैक्स क्रेडिट की वैल्यू है वो यहाँ पे आएंगी, लेकिन यदि नेगेटिव वैल्यू है तो फ्रेंड्स उसे ITC रिवर्सल माना जाएगा और उसे टेबल 4.B2 जो नीचे दिया गया है इसमें शामिल किया जाएगा, और रिवर्सल आपको करना होगा। यहाँ पर टेबल 4B सब पॉइंट 2 दिया गया है, यानी कि ITC रिवर्सल जो कि जीएसटी 2B से वैल्यू आएंगी। फ्रेंड्स, ये वैल्यू होंगी जो क्रेडिट नोट इशू किए गए हैं सप्लायर के द्वारा, उनकी पॉजिटिव वैल्यू जिस पे कि ITC अवेलेबल है। यदि नेगेटिव वैल्यू है तो क्रेडिट को रिक्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने रिवर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा पॉजिटिव वैल्यू सभी क्रेडिट नोट की जिस पे कि ITC अवेलेबल नहीं है वो भी यहाँ पे आएगा। फ्रेंड्स, यदि नेगेटिव वैल्यू है ITC अवेलेबल की टेबल 4A जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया है, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएंगी, ये जो नेगेटिव वैल्यू है आपको रिवर्स करनी होगी, इसलिए इस टेबल में रिपोर्ट की जाएंगी। फ्रेंड्स, यदि कोई भी इनवाइस या क्रेडिट नोट इशू किया गया है सेम मंथ में, तो उस केस में आपको दोनों को ही अलग से रिपोर्ट करना है, इनवाइस को अलग से, क्रेडिट नोट को अलग से। फ्रेंड्स, यदि जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है टेबल 4C में जो आएगा, यदि वो नेगेटिव है तो आपकी ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसे आपकी लाइबिलिटी समझा जाएगा। फ्रेंड्स, टेबल 5 एंड 6.2 जीएसटी 3B के जो है वो PDF का पार्ट नहीं माने जाएंगे, इसलिए ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे सिस्टम के द्वारा। इस प्रकार फ्रेंड्स, जो टेबल 4 है जीएसटी 3B का एलिजिबल ITC की बात करता है, यहाँ पे जो सब पॉइंट C दिया गया है वो नेट ITC अवेलेबल की बात करता है A में से B लेस करने के बाद। यदि वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी आपकी, तो उस केस में ये आपकी लाइबिलिटी मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी में ऐड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो टेबल 5 है वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई, ये आपको अपने आप फिल करना है क्योंकि ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आएगा। इसी प्रकार जो टेबल 6.2 है ये भी ऑटो पॉपुलेट में नहीं आएगा, जो PDF फॉर्मेट जनरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वह GST Act के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।